दिल्ली पुलिस का आदर्श वाक्य शांति, सेवा, न्याय है, लेकिन कुछ पुलिस वाले इस आदर्श वाक्य को बिल्कुल नहीं मानते। यह हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से ऐसी खबर सामने आई है जिससे आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल दिल्ली पुलिस के दो जवानों पर विदेश से आए नागरिकों को लूटने का आरोप लगा है। इस मामले में दोनों ही जवानों को सस्पेंड कर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आरोप है कि इन दोनों ने दो यात्रियों से 50 लाख रुपए का सोना छीन लिया। ये दोनों यात्री मस्कट और कतर से आए थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर यह घटना 20 दिसंबर की बताई जा रही है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के इन दोनों जवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मामले में विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। घटना को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि दोनों ही आरोपी जवान दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल हैं। इन दोनों की तैनाती इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पुलिस स्टेशन में स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड में है। बताया जा रहा है कि 20 दिसंबर को मस्कट और कतर से दो लोग पैसे और सोना लेकर प्लेन से उतरे। आरोप है कि एयरपोर्ट पर इन दोनों हेड कांस्टेबलों ने जांच के नाम पर इन्हें रोका और फिर इनसे सोना छीन लिया। एक यात्री का कहना था कि वो ये सोना अपने मालिक को देने के लिए ला रहा था। इन दोनों ने स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। जांच के बाद दोनों ही पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल अब पुलिस इस मामले में सभी एंगल से तफ्तीश कर रही है।